गाइस, वेलकम टू माय चैनल पूजा ब्यूटी ब्लॉग। मैं पूजा आज आप लोगों के साथ एक चिटचैट टाइप का वीडियो शेयर करने वाली हूँ। गाइस, काफ़ी दिन हो गया मुझे वीडियो बनाए हुए। मुझे यूपी में आया, 4 डेज हो गया। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल देखा होगा कि मुझे अचानक से मुंबई से यूपी क्यों आना पड़ा एंड मुझे आते ही मैं क्वारंटाइन क्यों हो गई, क्योंकि मुझे कोरोना वायरस हो गया क्या। बट ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे कोई कोरोना वायरस नहीं हुआ है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे मुंबई से यूपी क्यों आना पड़ा। जैसा कि आप लोग अगर न्यूज़ हमेशा फॉलो करते होंगे डेली बेसिक पे, तो आपको पता होगा कि मुंबई में कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन यूपी में बहुत कम है। और यूपी में मेरा ससुराल है, मायका है, सब कुछ है। मायका मेरा कोलकाता में भी है, जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है, लेकिन मेरा मायका यूपी में भी है एंड मेरा ससुराल स्पेशली यूपी में है। तो इसके लिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोगों को यूपी जाना चाहिए। तो वहाँ से मैं कितना चार पाँच दिन तो मुझे यहीं हो गए आए हुए, काफ़ी दिन हो गया मुझे वहाँ से निकले हुए। 3 दिन लगा मुझे यहाँ आने के लिए। हम लोग बाई रोड आए 4 व्हीलर से। वहाँ मैंने पहले चेकअप करवाया था, वहाँ भी मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आया। फिर हम लोग यहाँ पे आए, 2 दिन बाद हम लोग यहाँ भी चेकअप कराए। बट यहाँ रूल है, यहाँ क्या है, मुझे हिसाब से हर जगह रूल होगा कि आपको चेकअप कराना है ना आपको क्वारंटाइन रहना है। तो मैं अभी क्वारंटाइन में हूँ, इसके लिए मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रही थी। लेकिन आज मेरा मन किया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मेरा लाइफ अपडेट, कि मैं क्या कर रही हूँ इस टाइम पे, क्या नहीं कर रही हूँ। जो भी वीडियो आपको देखने के लिए मिल रहा था मैं पहले से ही बना के रखी हुई थी, जो एडिट करके मुझे बस अपलोडिंग करना था और कुछ भी नहीं। अभी फिलहाल कोई वीडियो नहीं बचा, तो मैंने सोचा कि अब मैं आप लोग अपना अपडेट दे दूँ कि मैं अभी कहाँ हूँ। तो मैं अभी यूपी में हूँ, अपने ससुराल में। तो अभी मैं घर के बाहर, एक घर है, मैं वहाँ पे हूँ। ये मेरा रूम नहीं है, बस एक रूम है, यहाँ पे मैं रहती हूँ। मुझे बस खाना पीना सब कुछ आ जाता है। इस टाइम पे हम लोग किसी से टच नहीं रहना है, मतलब किसी से बातचीत तो नॉर्मली दूर से हम लोग कर ही लेते हैं। मेरे घर में मेरी दादी सास है, जो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है, मतलब काफ़ी ज़्यादा उनका एज हो चुका है। एंड उसके बाद मेरे छोटा, मेरा एक देवर भी है, तो थोड़ा बचाना पड़ता है इसके लिए। भले हम लोग का रिपोर्ट नॉर्मल आया है, बट 14 डेज तो क्वारंटाइन रहना ही पड़ेगा, क्योंकि कोरोना पेशेंट का 10 डेज के बाद ही पता चलता है। एंड आज मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रही हूँ, इसके लिए मुझे बोलने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। स्पेशली मुझे यहाँ पे स्लो स्लो बोलना है, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ और ये रूम जो है ये घर के बाहर है, तो यहाँ रोड है, तो इसके लिए मुझे थोड़ा धीरे धीरे बोलना पड़ रहा है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपना अपडेट शेयर कर दूँ कि मुझे अचानक से इसके लिए आना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे कोरोना के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। और आपको पता है कि 2 मंथ से मेरे हस्बैंड का कोई काम नहीं चल रहा था, और अभी कब तक मुंबई में चलेगा ऐसा कोई नहीं बता सकता। वैसे कोरोना केसेस हर जगह ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बट मुंबई में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके लिए हम लोग यूपी आ गए हैं, अपने ससुराल, मेरे हस्बैंड के घर, आपको पता ही है। तो यही था मेरा लाइफ अपडेट एंड क्वारंटाइन क्यों हुई वो भी आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ रूल है भाई कि 14 डेज आपको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। तो मैं आज बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। एंड बहुत जल्द जब मैं अंदर चली जाऊँगी, स्पेशली रूम में, जो मेरा रूम है, मैं तो अभी फ़िलहाल ऐसी एक रूम में हूँ जो घर के बाहर वाला रूम है, जहाँ गेस्ट वगैरह आते हैं तो बाहर बाहर बैठते हैं, वो सब रूम है ये। तो इसके लिए अगर आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइए कि मैं आप लोगों के साथ कैसा वीडियो शेयर करूं, क्योंकि अब ससुराल में मुझे काफ़ी कुछ सोच के वीडियो बनाना पड़ेगा। कि मैं पहली बार तो ट्राईपॉड लाना भूल गई, मैं भूली नहीं, मैंने अपने हस्बैंड को बोला था रखने के लिए, उन्होंने बोला ठीक है मैं रख दूँगा, वो नहीं रखा, मैं भी नहीं रखी, तो मैं ट्राईपॉड नहीं रही। मैंने बहुत मुश्किल से मोबाइल को सेट किया है, क्योंकि मुझे आप लोगों से बातें करना था, क्योंकि बहुत दिन हो गया था यार इसके लिए। तो ये बताइए आप लोग मुझे कमेंट करके कि मैं किस टाइप का वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूं। फिलहाल 14 डेज में मैं ट्राई करूंगी, अभी मुझे 4 डेज हुआ है क्वारंटाइन हुए, अभी 10 डेज और बाकी है। 14 डेज में तो मैं आप लोगों के साथ बहुत कम कुछ शेयर कर पाऊंगी, बट कोशिश करूंगी 1-2 ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। और ब्लॉग मैं सोच रही हूँ बनाने के लिए, क्योंकि अपने मुझे कुकिंग वगैरह सब करना है 14 डेज के बाद। अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बस नहाना खाना और कुछ भी नहीं करना है। तो यही था मेरा आज का छोटा सा वीडियो, लेकिन आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस कि मैं आप लोगों के साथ किस टाइप का वीडियो शेयर करूं। तो मैं हमेशा मेकअप एंड फेशियल, मतलब कि DIY ये सब शेयर करती थी, बट यहाँ पे ये सब करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लाइटिंग का प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात है। यहाँ तो आज थोड़ा लाइटिंग अच्छा आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, बट अभी मैं क्वारंटाइन, इसके लिए मैं घर से बाहर हूँ। लेकिन जब मैं क्वारंटाइन नहीं रहूँगी तो मुझे घर के अंदर रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे शादी को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1.5 ईयर्स ही हुआ है। तो मैं घर की नई नवेली बहू हूँ, जैसा कि आपको पता है, मैं आप लोग सामने ऐसे बैठी हूँ, नहीं तो वैसे तो सर पे पल्लू रख के मुझे रहना पड़ता है हमेशा। तो आप मुझे कॉमेंट करके बताइए सबसे पहले।
कि क्या है, कैसे मैं क्या करूँ। तो यही था मेरा आज का छोटा सा वीडियो, मैंने सोचा आपको अपडेट दे दूँ। और वैसे मैं बहुत जल्द आपके साथ ब्लॉग शेयर करूँगी क्वारंटाइन में सारा दिन क्या करती हूँ। वैसे सारा दिन कुछ नहीं करने का था, बस सारा दिन सोते रहती हूँ। क्योंकि 3 दिन का ट्रैवल मैं करके आई थी, फर्स्ट टाइम यूपी से, मतलब कि मुंबई से यूपी फर्स्ट टाइम मैंने 4-व्हीलर से ट्रैवल किया। और भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया था, आज मैं थोड़ा अच्छा फील कर रही थी, जिसके लिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपना अपडेट दे दूँ कि क्या चल रहा है लाइफ में। यार कोरोना वायरस की वजह से ना सब कुछ उथल पुथल हो गया और कुछ भी नहीं बोल सकती। तो गाइस यही था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप आगे और भी अच्छा अच्छा मेरा ससुराल ब्लॉग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करने में छोटा सा बेल बटन होगा उसको भी हिट कर दीजिए, ताकि आगे से मैं कोई भी डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि मैं किस टाइप का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं। आई विल ट्राई टू बेस्ट गाइस, ताकि मैं आप लोगों को खुश कर सकूं। मैं आप लोगों से कनेक्ट रहना चाहती हूं, मैं कनेक्शन तोड़ना नहीं चाहती कि चलो यूपी में आ गए, ससुराल में आ गए तो मैं वीडियो ही ना बनाऊँ। मैं छोटा मोटा वीडियोस हमेशा बनाते रहूँगी। हाँ, आपको अब लॉन्ग वीडियो बहुत कम देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा। फिर मुझे मोबाइल के डाटा से वीडियो अपलोडिंग करना पड़ेगा। ये वीडियो मैं आज के आज ही अपलोड कर दूँगी, मुझे 4 डेज हो चुका है यूपी में आए हुए। तो यही था मेरा छोटा सा वीडियो, तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आगे इसमें जो भी वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग के साथ, तब तक ले लीजिए रहे, बाय बाय।